क्वेश्चन, ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। आंसर है ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा लोग, ऑप्शन बी आर्य लोग, ऑप्शन सी सिंधु के लोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी आर्य लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पांच। आंसर है ऑप्शन ए दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी सब सिंधु, ऑप्शन सी अरना, ऑप्शन डी अरियल। आंसर है ऑप्शन बी सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा काल, ऑप्शन बी सिंधु काल, ऑप्शन सी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन डी ऋग्वेदिक काल। आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी पांच, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी दो। आंसर है ऑप्शन सी चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए छह, ऑप्शन बी सात, ऑप्शन सी आठ, ऑप्शन डी नौ। आंसर है ऑप्शन ए छह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 108। आंसर है ऑप्शन डी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। आंसर है ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। आंसर है ऑप्शन ए 16।